इस वक्त की एक बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त को लेकर गठबंधन की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में गठबंधन के कार्यकर्ता पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ईवीएम की सुरक्षा में लगे हैं। मतदान के बाद 6 मई से ही गठबंधन के कार्यकर्ता 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं और वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर ड्यूटी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल के बाद गठबंधन और परेशान हो चुका है और अब रखवाली के लिए और कार्यकर्ताओं की मांग कर रहा है। सपा और बसपा के लोग कार्यकर्ताओं की और मांग कर रहे हैं और ईवीएम की रखवाली में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है कि हम सब लोग ईवीएमों की सुरक्षा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं। इसी क्रम में हमने जो है फैजाबाद में पोलिंग 5वां चरण का खत्म होने के बाद 7 मई से ही जो है अपने कार्यकर्ताओं की 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगा रखी है। कल एग्जिट पोल आया है, उसके बाद फिर हम लोगों को और अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत महसूस हो रही है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारे और कार्यकर्ताओं को भी पास दिया जाए ताकि हम वहाँ पर जो है और अच्छा और पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम कर सकें। जो गठबंधन हुआ है 2019 का चुनाव हो रहा लोकसभा का, जहाँ जहाँ पर मतदान हो गया है ईवीएम मशीन राजकीय इंटर कॉलेज में जहाँ भी रखी गई है, हमारे पार्टी का गठबंधन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका निर्देश है कि ईवीएम मशीन जहाँ भी रखी गई है उसकी निगरानी के लिए आप अपनी पैनी निगाह से देखते रहिए। 3 लोगों की ड्यूटी रहेगी 8-8 घंटे की, और दूसरे इसलिए देखते रहिए कि ईवीएम मशीन बदल ना ली जाए या दूसरी मशीन ला के रख ना दी जाए या छेड़छाड़ ना किया जाए या गड़बड़ियाँ ना की जाए। इस मद्देनज़र हम लोगों को पार्टी की तरफ से लगाया गया है और मुख्यालय को हम लोग समय समय पर अपनी पूरी बात जो रिपोर्ट रहती है उसको बताते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।